लवन महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं और शिक्षकों को साल्ट बैग पेन से किया सम्मानित। शासकीय महाविद्यालय लवन में आयोजित प्रतिभावान छात्र छात्राओं और प्राचार्य एवं शिक्षकों का सम्मान गौरीशंकर अग्रवाल ने किया। समारोह में अतिथियों द्वारा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का सम्मान 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक, शाल, बैग, पेन का वितरण किया। इसी प्रकार महाविद्यालय की स्थापना के समय 2009 में 96 विद्यार्थियों से प्रारंभ हुई, जो अब बढ़कर 570 हो गई है। वर्ष 2008 में मुख्यमंत्री की विकास यात्रा में लवन महाविद्यालय खोलने की मांग की गई थी। लवन महाविद्यालय में इस सत्र से MSc रसायन शास्त्र, MA राजनीति विज्ञान एवं स्नातक स्तर पर इतिहास समाज शास्त्र की कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। अंतर महाविद्यालयीन बैडमिंटन प्रतियोगिता में कॉलेज की टीम उपविजेता रही। एक छात्र का चयन राज्य स्तरीय में हुआ। गौरीशंकर अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण के लिए सोचा, इसका परिणाम लवन महाविद्यालय स्नातक से स्नातकोत्तर हो गया है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करें। अग्रवाल ने कहा कि प्रतिभा के सम्मान से अन्य लोगों को भी प्रेरणा ले। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है, इसके कारण प्रदेश की तस्वीर बदली है। अग्रवाल ने विद्यार्थियों से कहा कि जीवन में बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें। स्वामी विवेकानंद के प्रेरक विचार, उठो जागो तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेरक विचार, सपना हम वो देखें जो पूरा न होने पर हमें सोने न दे। इसी प्रकार सभी महापुरुषों की जीवनी को पढ़कर राष्ट्र के नव निर्माण में योगदान देने की बात कही और कहा कि आवश्यकता के अनुसार महाविद्यालय की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। समारोह को जनपद पंचायत अध्यक्ष बलौदाबाजार सुलोचना यादव, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नितिन अग्रवाल, प्रभारी प्राचार्य यशवंत राज महिलांगे, स्वर्ण सिंह सलूजा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संजय वाजपेयी, दुर्गा प्रसाद पटेल, एल्डरमैन बुधराम साहू, अन्य जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में संबंधित महाविद्यालयों के विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए सूरज बघेल की रिपोर्ट।